पहला टॉपिक है वह क्या है? संज्ञा। उससे पहले मैंने आपको वर्ण विचार बताया हुआ है मेरे वीडियो में, और अभी ये जो है टॉपिक कौन सा है? संज्ञा। संज्ञा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? नाउन। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा कौन सा शब्द है ये हम आगे देखेंगे। तो संज्ञा जो है कैसा है? एक विकारी शब्द है। कैसे है? क्योंकि यह क्रिया के अनुसार या व्यक्ति के काम के अनुसार ये बदलती है, एक वचन बहुवचन। तो संज्ञा कहते किसे हैं? संज्ञा जो है किसी व्यक्ति वस्तु स्थान प्राणी या मन के भाव को नाम को मन के भावों के नाम को क्या कहेंगे हम? संज्ञा कहेंगे। तो ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। किसी भी प्रकार के जो नाम होंगे वो सारे किस में आएंगे? संज्ञा। पहला जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बोला व्यक्ति का नाम, व्यक्ति के नाम में जैसे आपका नाम क्या है? राम है, श्याम है, सीता है, संगीता है। तो जो भी किसी भी व्यक्ति का नाम है वह किसके अंतर्गत आएगा? संज्ञा के अंतर्गत। फिर दूसरा मैंने बोला वस्तु, जैसे चौक है, पेंसिल है, बेंच है, ब्लैकबोर्ड है, तो ये सारे जो क्या है वस्तुओं के नाम हुए। फिर किसी व्यक्ति वस्तु और तीसरा स्थान, स्थान जैसे निशा है, अहमदाबाद है, दिल्ली है, आगरा है, तो स्थान का नाम भी किसके अंतर्गत आएगा? संज्ञा के नाम, संज्ञा के अंतर्गत। तो किसी व्यक्ति का नाम बता दिया मैंने आपको, वस्तु का नाम बता दिया, फिर क्या है किसी प्राणी का नाम, जैसे गाय, भैंस, बकरी, चिड़िया, तो ये सब भी किसके अंतर्गत आएगा? संज्ञा के अंतर्गत। और मन के जो भाव, ऐसे भाव जिनको हम क्या कर सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं लेकिन टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, तो ऐसे मन के भावों को भी हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। तो संज्ञा की डेफिनेशन क्या होगी? किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम, प्राणी का नाम और मन के भाव को हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। अब संज्ञा के भेद कितने हैं? संज्ञा के मुख्य तीन भेद है। पहला कौन सा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, उसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? प्रॉपर नाउन। दूसरा कौन सा है अपना? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉमन नाउन। फिर तीसरा है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा को हम इंग्लिश में कहेंगे अब्स्ट्रैक्ट नाउन। फिर अपनी जो है दूसरी कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा। इसके भी दो भाग हुए हैं, तो उसके नाम क्या है? पहला जो है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा को इंग्लिश में कहेंगे हम मटेरियल नाउन। और उसके बाद जातिवाचक संज्ञा का दूसरा प्रकार कौन सा है? समूहवाचक संज्ञा, यानी उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? कलेक्टिव नाउन। तो अभी मैंने आपको संज्ञा के मुख्य ऐसे गिनो तो तीन प्रकार, और फिर जातिवाचक के वापस दो प्रकार, यानी मुख्य पांच प्रकार आपको बताए हैं और उनका इंग्लिश में नाम भी मैंने बताया है। आइए अभी एक एक को हम वापस समझते हैं। तो पहला जो है अपना कौन सा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या क्या आता है? व्यक्तियों के नाम जैसे राम, मोहन, गणेश, महेश आदि। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हम कहा किसे कहेंगे? उसकी डेफिनेशन क्या है? जो सब किसी विशेष एवं निश्चित व्यक्ति स्थान या वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जांपल में मैं आपको बताऊंगी कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। तो किसने आर्य समाज की स्थापना की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो यहाँ पे संज्ञा क्या हुआ? स्वामी दयानंद सरस्वती। दूसरा एग्जांपल है हिंदी साहित्य में छायावाद का प्रमुख महाकाव्य कामायनी है। तो कामायनी क्या हुआ? संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हुई। राम घूमने जाता है, यानी कौन घूमने जा रहा है? राम। तो राम क्या हुआ? किसी व्यक्ति का नाम है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर राम दिल्ली जाता है, तो राम जा रहा है दिल्ली, तो राम व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ और दिल्ली भी क्या हुआ? व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ। तो इस प्रकार से हम क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी जो शब्द किसी विशेष एवं निश्चित व्यक्ति स्थान या वस्तु का बोध कराए उसे हम क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी प्रॉपर नाउन। दूसरा अपना कौन सा है? जातिवाचक यानी
जातिवाचक संज्ञा यानी कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन की डेफिनेशन क्या है? जो शब्द किसी प्राणी, पदार्थ या समूह की जाति का बोध कराते हैं, पूरी जाति का बोध जो कराते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा। जैसे मैं एग्जांपल में कहूंगी कि गाय दूध देती है, तो क्या एक ही गाय दूध देती है, बाकी गाय दूध नहीं देती है, ऐसा है? नहीं, ये गाय की पूरी जाति के लिए आया है कि गाय दूध देती है, यानी दूध देने वाला एक पशु है। तो जहां ऐसा शब्द जो पूरी जाति के लिए प्रयोग में आता है, उसको हम क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा यानी कॉमन नाउन। जैसे विद्यार्थी स्कूल में पढ़ने जाते हैं, तो विद्यार्थी क्या हुआ? एक ही व्यक्ति नहीं, सारे जो पढ़ रहे हैं उन सबके लिए हमने काम में लिया है, तो विद्यार्थी क्या हुआ? जातिवाचक संज्ञा हुआ। फिर जातिवाचक संज्ञा के आगे दो और प्रकार है। पहला है द्रव्यवाचक संज्ञा यानी मैटीरियल नाउन। तो द्रव्यवाचक संज्ञा की डेफिनेशन क्या हुई? वे संज्ञा शब्द जो ऐसे पदार्थों या द्रव्यों का बोध करवाते हैं जिनसे वस्तुएं बनती है एवं उनका माप तोल किया जा सकता है, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। जिनसे क्या है? दूसरी वस्तुएं बनती है और जिनको हम क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं, तोल सकते हैं, उनको हम क्या कहेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा। उनके उदाहरण जैसे सोना, चांदी, पीतल, मिट्टी, लकड़ी, दूध, घी, तेल इत्यादि। तो ये जो है कौन सा? द्रव्यवाचक संज्ञा। इसके वापस हम दो भाग कर सकते हैं। कौन से? एक जिसको हम माप सकते हैं और एक जिसको हम तोल सकते हैं। इंग्लिश में जिसको हम कहेंगे काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। जैसे घी है, घी को हम क्या कर सकते हैं? एक किलो, दो किलो, ऐसे माप सकते हैं, संख्या के आधार पर नहीं। जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं हाउ मच और हाउ मैनी, तो उसी प्रकार ये इसके द्रव्यवाचक के वापस हम दो भेद कर सकते हैं। नेक्स्ट हम कौन सी पढ़ेंगे? समूहवाचक संज्ञा यानी कलेक्टिव नाउन। उसकी डेफिनेशन क्या है? समूहवाचक संज्ञा यानी वे संज्ञा शब्द जो किसी समूह या समुदाय का बोध करवाते हैं, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे परिवार, परिवार से तात्पर्य क्या हुआ? जिसमें मम्मी, पापा और बच्चे सब कुछ आ गए। कक्षा है, सेना, दल, जनता, भीड़ आदि, ये सब इसके एग्जांपल है। समूहवाचक जो संज्ञा है उनके कई वियोग जो है क्या होते हैं? सुनिश्चित होते हैं, इन्हें हम नहीं बदल सकते। जैसे बहुत सारे पर्वत होंगे तो हम इनको क्या कहेंगे? पर्वतों की श्रृंखला। तारे हैं तो तारों का पुंज, सैनिक या फिर स्वयं सेवकों का जत्था, गायकों की मंडली, भेड़ों का झुंड, नक्षत्रों का मंडल, कागज का दस्ता, चोरों का गिरोह, कर्मचारी और मजदूरों का संघ, प्रतिनिधियों का शिष्टमंडल, चाबियों का गुच्छा। तो इस प्रकार के ये शब्द क्या करवाते हैं? हमें समूह का बोध करवाते हैं। इनको हम क्या कहेंगे? समूहवाचक संज्ञा। इस प्रकार नेक्स्ट अपना लास्ट जो है वो कौन सा है? भाववाचक संज्ञा यानी अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इसकी जो परिभाषा क्या है? जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, शील, दशा, अवस्था, दोष, धर्म आदि का बोध होता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उसके एग्जांपल कौन से हैं? बूढ़ापा, सफलता,
जाने हैं।